हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देखने जा रहे हैं AKS ऑटोमेशन की मिक्स नोट काउंटिंग मशीन विद फेक नोट डिटेक्शन मॉडल एस का BR560। टोटल मिक्स नोट काउंटिंग मशीन है ये। यहाँ पे आपको एक एक नोट की संख्या पता चल जाती है, कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है, टोटल पीसेस, टोटल अमाउंट। ठीक, UVMG IR 3D डिटेक्शन के साथ आती है। अभी मशीन मिक्स मोड और ऑटो मोड में है, मतलब नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मशीन की क्वालिटी की बात कर ले तो देखिए, आप एकदम रफ एंड टफ मशीन है। इसमें आपको स्पेशल अलार्म लाइट भी मिल जाती है, जो कि आपका कोई भी सस्पेक्ट नोट, जैसे नकली नोट हो गया, चेयर नोट हो गया, डबल नोट, जब भी मशीन डिटेक्ट करती है तो ये लाइट मशीन रुक जाती है उस टाइम काउंटिंग के दौरान, और ये अलार्म लाइट ब्लिंक करने लगेगी। साथ में रुक रुक के बीप भी देगी, स्पीकिंग फ्यूचर ऑन रहेगा तो बोल के भी बताएगी। आपको एक्स्ट्रा कीपैड भी मिल जाते हैं 4, जो मेन कीपैड आगे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ऑप्शनल है। ठीक, अगर इन फ्यूचर अगर कोई बटन ख़राब हो जाता है तो साइड से भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, होपर की कैपेसिटी 250 नोट तक होती है। ठीक है, नए नोट है तो 250 तक, और पुराने नोट है तो 200 तक, मतलब 200-250 मान सकते हैं। 1000 काउंटिंग स्पीड होती है। ठीक है, चलिए मैंने मिक्स नोट ले रखे, पहले 1 बाय 1 काउंट करके देखते हैं। मेरे पास 500 के 30 नोट हैं, इनको काउंट करते हैं। ये मशीन कलर सेंसर 3D के साथ आती है, तो कई बार गंदे नोट होते हैं उनको भी रोक लेती है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा कुछ हो तो आप मैनुअली हाथ से भी चेक कर सकते हैं। ये 100 के मेरे पास 90 नोट हैं, ठीक, और ये 20 के मेरे पास 100 नोट हैं। अभी मैं 1 बाय 1 चेक कर रहा हूँ। और एक 50 का नोट है। ठीक, तो इस तरीके से आपको वैल्यू और पीसेस पता चल जाता है। अभी मैं सारे नोटों को एक साथ काउंट करके दिखा देता हूँ, एक साथ मिक्स नोट डालने पे भी आपका प्रॉपर काउंटिंग होता है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल 221 नोट हो जाएंगे। ज़्यादा नोट है तो थोड़ा हाथ लगा के रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी प्रॉपर काउंटिंग हो जाती है। 221 पीस हैं, 26,050 रुपये हैं। आप जूम करके देख सकते हैं कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि 100 के 90 नोट हैं, 50 का 1 है, 20 के 100 हैं, और इस साइड में देखेंगे आप 500 के 30 नोट हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू काउंट एंड कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में फेक नोट भी ये आपका डिटेक्ट करती है किस तरीके से, उसके लिए मैं ख़राब नोट बीच में डाल देता हूँ। 20 का नोट है, 20 के बीच में डाल दिया। ठीक है, दोबारा काउंट करते हैं। जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन रुक जाएगी। ठीक, ये देखिए आपकी अलार्म लाइट ब्लिंक करने लग गई और रुक रुक के बीप दे रही है। स्पीकिंग फीचर अभी ऑन है, स्टार्ट प्लस वॉइस प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो उस टाइम बोल के भी बताती है मशीन। अगर आपको साइलेंटली वर्क करना है तो ऑफ कर दीजिए, और जो आवाज़ सुनना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये देखिए नकली नोट है, स्टैकर में जो लास्ट नोट होगा वो नकली होगा। आगे की काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे, काउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिक्स नोट काउंटिंग और फेक नोट डिटेक्शन। देख लिया, अब आगे के फीचर जान लेते हैं। उसके लिए हम एक ही तरीके के नोटों का यूज कर लेते हैं। 20 का यहाँ से सीसा आपका क्लियर हो जाता है, जो भी हिस्ट्री वगैरह रहती है। अभी 100 नोट है 20 के। ठीक है, एक बार नॉर्मली चेक कर लेते हैं। नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई, ऑटो मोड है। अगर आप नए यूजर हैं, नोट रखने में हेजिटेशन हो रही है, तो मैनुअल का यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ मैनुअल का ऑप्शन है। अब मैनुअल एक्टिवेट हो गया। अब देखिए नोटों को रखूँगा, आराम से रख लेना, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट बटन दबाने के बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक, तो ये आपका हो गया मैनुअल काउंटिंग। ऑटो पे आने क्या है कि जब आपका हाथ साफ हो जाए तो आप ऑटो का यूज कर सकते हैं, ऑटो प्रेस करके। ऑटो पे क्या है, काउंटिंग फास्ट होती है। उसके बाद आप आगे चलते हैं। हम आपने देख लिया ऑटो मैनुअल, देख लिया मिक्स नोट काउंटिंग बैच, देख लिया टोटल पे भी, देख लिया करेंसी मोड में बता चुका हूँ, क्यों करेंसी हमारे पास इंडियन है तो हम इंडियन के साथ ही चलेंगे। ऐड मोड, ऐड में क्या है, आपका लगातार सम होता जाएगा, जो भी आप नोट डालते जाएंगे ऐड करता जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट टाइम 100 डालता हूँ तो ये 100 काउंट होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी हो तो। अभी ऐड एक्टिवेट है, दोबारा अगर मैं नोट डालता हूँ या और नोट डालता हूँ तो सम करता जाएगा। अभी यहाँ 200 हो जाएगा, 100 के बाद गिनती शुरू होगी।
एक बार और इंसर्ट करते हैं तो 300 हो जाएगा। अब आपको बैच बनाना है, यानी कि जैसे कई बार होता है कि 100-100 के बंडल बनाने होते हैं, तो यहाँ 200-250 नोट आ जाते हैं, इकट्ठा डालते जाइए, 100-100 नोट करके बैच बनेगा। तो उसके लिए आपको काउंट मोड में आना है पहले, फिर यहाँ से बैच प्रेस करना है, ठीक है। तो बैच 100 का आ रहा है, हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं जो पहले की है, रुकिए, ठीक है, क्लियर हो गई। आप काउंट मोड में बैच हम प्रेस करेंगे तो 100 का बैच आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी बैच बना सकते हैं। जैसे मेरे पास 100 ही नोट है तो 100 का तो बाय डिफ़ॉल्ट बैच आता है, क्योंकि 100 का पैकेट बनता है। आप अपनी मर्जी से जो भी बैच बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे मैंने 25 का सेट किया, मुझे इसमें से 25 नोट निकालने हैं तो भी इसके ही का यूज़ होता है। और मैंने 100 नोट डाले, 25 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक गई, ये हटाऊंगा तो अगले 25 काउंट करेंगे। इस तरीके से आप इसमें नोट छाट सकते हैं, बैच भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा बैच मोड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। आप सॉर्टिंग का फीचर देख लेते हैं, लास्ट और इम्पोर्टेंट फीचर है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग फीचर में क्या होता है कि आपकी गड्डी में कोई भी डिफरेंट नोट आता है, जैसे आपने मान लीजिए 500 का बंडल मंगाया, तो उसमें कोई छोटा डिजिट अमाउंट का नोट आ जाता है, तो उसको मशीन कैसे रोकेगी, ठीक। क्योंकि नॉर्मल मशीन है, नकली नोट होता है तो ही काउंट करती हैं। जो पीसीस वाली मशीनें होती हैं, जो पीसीस में काउंट करती हैं, वो सिर्फ नॉर्मल आपका नकली नोट होगा तो ही रोकेंगी। अगर कोई असली नोट है कम अमाउंट का, तो भी उसको पीसीस में काउंट कर देंगी। इसमें सॉर्टिंग का फीचर होता है, बाकी टोटल में आप काउंट करते हैं तो अमाउंट में डिफरेंट आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है। और आप सॉर्ट का यूज करेंगे तो जो पहला नोट होगा उसी तरीके के नोट को पास करेगी, दूसरा कोई भी डिफरेंट नोट आएगा तो मशीन इस तरीके से रोक देगी। तो ये आपका डिफरेंट नोट है, इसको साइड कर लेंगे। नोट असली है, क्यों रोका मशीन ने, क्योंकि डिफरेंट है और आप सॉर्टिंग मोड में काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो आई होप ये मशीन के बारे में आपको समझ आ गया हो। और कोई डिटेल लेनी हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्राइस वगैरह, और हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल उपलब्ध है, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है AKSAutomation.com। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।